तो आज राधाष्टमी है भला, राधाष्टमी। हमारे पास बहुत प्रश्न आते हैं, राधा कौन थी, राधा का विवाह हुआ था या नहीं, राधा श्री कृष्ण की क्या लगती थी, राधा बड़ी थी या छोटी, राधा के साथ का क्या व्यवहार था, अंत में राधा को क्या प्राप्ति हुई। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं और वो अपनी अपनी भूमिका में ठीक हैं और उन सब का उत्तर भी है, सबका अलग अलग उत्तर है, वो उत्तर अलग दिया जाता है, दिया जा सकता है। परंतु साधकों के लिए एक शब्द में उत्तर है, एक शब्द में। राधा है भगवत प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप और राधा का जीवन है भगवत सुख। बस उस राधा की आज हम लोग ये अष्टमी जन्माष्टमी मना रहे हैं। इसको कोई आदमी, मेरी प्रार्थना है फिर तो अपनी आंख से देखेंगे, इसको तमाशा न समझें, खेल न समझें, कौतूहल की वस्तु न समझें, कल्पना न समझें, एक मन बहलाने की चीज न समझें। झांकी देखे बड़ी अच्छी बनी, ये कुछ नहीं। राधा के हृदय को देखें जो भरा है श्री कृष्ण से, कुछ और जिसमें ही नहीं, जिसके हृदय में और वस्तु कहीं कोई रही नहीं गई, है ही नहीं, बनी ही नहीं, बनेगी ही नहीं, आवेगी नहीं। इस प्रकार के हृदय वाली जो राधा है उसका हम आज पुण्य स्मरण कर रहे हैं, उसके पुण्य स्मरण का पुण्य हम लूट रहे हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है भला, भगवान का स्मरण, और भगवान से भी अधिक भगवान के प्रेमियों का स्मरण, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। तो इस प्रसाद की प्राप्ति के लिए, इस अनुग्रह की प्राप्ति के लिए ये आज का ये आयोजन है। इस आयोजन में मैं तो उत्साही नहीं, मुझे तो उत्साह नहीं होता, जीवन में सात्विकता है नहीं, ये सारी बाबा की कृपा है। सच्ची बात है, बाबा ने इस उत्सव का प्रवर्तन किया और अब भी उन बाबा की शायद गुप्त इच्छा से ही कि ये अभी तक चल रहा है। मेरी इच्छा हो जाए तो बंद हो गया होता कभी का। ये बाबा का, स्वामी जी महाराज का, उनका प्रवर्तित ये महोत्सव है और उनको देख लीजिए, उनमें कहीं कोई विषय है क्या? तो उनके उत्सव में भी ये जो विषय दिखते हैं, ये विषय राधा प्रेम की स्मृति के लिए है, ये विषय नहीं है। तो इनको विषय की आंख से आप लोग न देखें, भगवत पूजा के भाव से, भगवान के साक्षात विग्रह के रूप में इनको देखें और इनसे ठीक लाभ प्राप्त करें।